महात्मा गांधी नगर कंकड़बाग पटना बिहार। बिहार सरकार की योजनाएं जो हैं, जो उसके जिनके लिए समाज कल्याणकारी कार्यक्रम बनते हैं उनके पास नहीं पहुंच पाता है, उनसे लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, वे सरकारी सुविधाओं के लिए भटकते रहते हैं, कोई उनकी बातें भी नहीं सुनते हैं, उनकी शिकायत भी नहीं सुनते हैं। आइए ज़रा इनसे मिलते हैं, इनकी क्या समस्या है। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, हाँ नमस्ते। क्या समाचार है? हम लोग गरीब आदमी हैं, घर द्वार शौचालय पेंशन वेंशन 18 महीना से नहीं मिला है, जो बना हुआ वो भी नहीं मिला है, है ना। मैं अपने पैर से दोनों मियाँ भी विकलांग के अपाहिज हूँ, और जो है सो रिक्शा चला के किसी भी तरह अपना पालन पोषण करता हूँ बाल बच्चा को। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। हम लोग के टीवी टावर में सरकार ने इंदिरा गांधी ने ज़मीन दिया था, हम लोग को पानी छोड़ के भगा दिया गया, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ इंदिरा आवास बना कि नहीं? वहाँ बना नहीं, सबको मिला हुआ था, सबको भगा दिया गया। वहाँ बना हुआ देखे थे? वहाँ नहीं, वो पहले था। नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ नहीं है। हम लोग इंदिरा गांधी के समय में सब कुछ दिया था, पानी तोड़ के हम लोग के सबको भगा दिया गया, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आज तक हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के जमीन व्यवस्था नहीं है, हम लोग का व्यवस्था सरकार करे, हम लोग अभी इधर उधर भटक रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि विकलांग का जो पेंशन है वो आपको नहीं मिल रहा है? विकलांग के पेंशन भी हमको पत्नी और 18 महीना से रुका हुआ है। क्यों क्यों? पता नहीं क्यों, आधार कार्ड सब कुछ देते हैं तो कोई ना कोई बहाना कर देता है। वहाँ और लोगों को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है? 140 आदमी का आया है रिटर्न, आपको नहीं मिल रहा है? हमको नहीं मिला है। बहुत सारा बूढ़ा बुजुर्ग के सही में नहीं मिल रहा। आपको पैर में लगता है कोई समस्या है ना? समस्या है, चलने में भी दिक्कत होती है। क्या है पैर दिखाइए, क्या ये ऊपर करके दिखाइए, आप ऊपर करके दिखाइए, ऊपर वहाँ ऊपर करके हाँ, इनका पैर देखिए, कुछ रोग के कारण इनका पूरा पैर जो है पूरा वो लगभग क्या कहें इसे, एकदम लगभग बेकार ही है। केवल एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं, एक पैर में है। तो इसका दवा इलाज करवा रहे हैं आप? इलाज करवाए हैं, बहुत सरकार की ओर से दवा मिली या खरीदा पड़ा? सब दवा सरकार के कोर्स खत्म है। कोर्स खत्म है? हाँ। अब दवा नहीं खाना है? नहीं। क्यों? दवाई बंद हो गई। बंद हो गया? आराम है कुछ? आराम क्या है, सूजन रहता है, दर्द भी करता है? दर्द करता है। और इस दर्द के रहने के बावजूद आप जो है रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा जो चलाते हैं, क्या जो आपके ये होते सवारी होते हैं वो पूरा पैसा देते हैं या कभी कभी बेईमानी भी करते हैं? अब जो पैसा पूरा भी देते हैं, कोई ऐसा मिल जाता है जो कम भी देता है या नहीं भी देते हैं? ना देता है, दे कम देता है, हाँ। देने की नहीं देने की कोई सवाल नहीं। तो आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? विकलांग का जो पेंशन है क्यों नहीं मिल रहा है? पेंशन अब खाता पर भेजा करता, खाता पर भेजेंगे, अभी तक खाता पर नहीं भेजा है। 18 महीना हो गया? हाँ 18 महीना सब लोग के पेंशन। और लोग जो आपके उन लोग को मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, सबके नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिला है जी। 140 आदमी का लिस्ट आया, सबको 18 महीने से नहीं मिल रहा है, केवल आप ही को नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, 140 आदमी को लिस्ट भेजा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है वहाँ। यहाँ आधार कार्ड पहचान पत्र है ना, पेंशन वाला खाता सब कुछ दे, खाता नंबर बैंक को सब कुछ दे देते हैं, अब कुछ ना कुछ वहाँ से खराब करके भेज देता है। एगो चढ़ाता है, हाँ। एगो डाटा चढ़ाता है, एगो नहीं चढ़ाता है, और कहता है कि ये नहीं दिया, दोषी हम ही लोग के लगाता है। हम लोग पहले मिलता था आपको? हाँ पहले हमको पेंशन मिलता है, लेकिन इधर नहीं मिला, वही 18वीं से नहीं मिला। तो वहाँ बूढ़े आपके क्यों ऐसा कर देते हैं? आप लोगों को परेशानी हो रही है? हम लोग जाते हैं तो कहता है वहाँ समझो तो हम कहाँ तक भागते रहेंगे। घूस भी मांगता है वहाँ का कर्मचारी? घूस उस हम लोग से नहीं मांगा है, जो नहीं मांगा है। तो आप लोग बोलते नहीं कि हम लोग इतना कष्ट होता है, बार बार ऑफिस आएंगे कैसे आएंगे? कहते हैं, लेकिन कहता है हम क्या, हमको हमारे हाथ में है, किसी का सुकृति हो गया, 20,000 मर गया, वो भी पैसा नहीं आ रहा, कहता पैसे सरकार के पास नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग चक्कर ब्लॉक के काटते रहते हैं। कितना पैसा मिलता था आपको? 400 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये महीना। ये क्या कहते हैं, विकलांग पेंशन का? विकलांग 400 रुपये महीना। आपकी पत्नी को भी मिलता है क्या? पत्नी उसको क्या है? उसका भी विकलांग के हाथ से बोल से क्या हुआ है उसको, हाथ बोरे से है और मुड़ा हुआ है। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं।
स्कूल में पढ़ाते हैं उनको? नहीं, अभी आंगनबाड़ियों में जाता है। आंगनबाड़ी में जाता है। चार बच्चे हैं, बेटा कितने है? दो गो लड़का है, दो गो लड़की। बेटा बड़ा है? नहीं, बेटी बड़ा है। बेटी बड़ा है। तो रेगुलर जाता है वहाँ की नहीं जाता है? ऐसा नहीं, आंगनबाड़ी में रेगुलर जाता है। रेगुलर जाता है। पढ़ाई से खुश है? वहाँ की पढ़ाई से खुश है आप? वहाँ के पढ़ाई से भी खुश हम नहीं है, बच्चे लोग के सही से नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ाता? किताब वगैरह भी मिला है? कुछ नहीं मिलता, खाली बस अपना जाता है, बैठ के खिचड़ी खा के चल आता है। खिचड़ी और क्या कहते हैं, फल या अंडा वगैरह मिलता है? अंडा वगैरह भी मिलता है? नहीं मिलता है, हम लोग तो रोड पर रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आपको कि आप इस जो आपका पैर वो कुछ से प्रभावित है, उस कारण से आप कभी रिक्शा नहीं चला पाए हो, या आप घर में रहना पड़ा हो और घर में खाना नहीं पका हो, ऐसा भी हुआ है आपके साथ? होता है कभी कभी। नहीं तो हम ही कमाने वाले गिर जाएंगे तो मुद्दा नहीं ना जाएगा। अब भी जिस समय मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, परिवार भी विकलांग है, हम भी विकलांग है, परिवार भी कोई काम ही नहीं कर सकता। वो कुछ काम भी करती है? कुछ नहीं, खाना उना भी नहीं बना पाता है, दोनों हाथ गोड़ से विकलांग है। तो खाना आप ही बनाते हैं? खाना हमारा थोड़ा बेटी है सो बनाते, पहले हम ही बनाते। इतना बड़ा बेटी, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग के घर मकान गरीब आदमी है, सबको हेल्प करें। और पेंशन जो आपका बंद है? हाँ, पेंशन बना है, लेकिन पेंशन जो बना हुआ है हमको मिले उसका पेमेंट शुरू करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।